हेलो स्टूडेंट, ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट यानी सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड्स के लिए एक न्यूज़ निकल के आ रही है जो दोनों बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए, जिसमें सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की मीटिंग्स हुई और मीटिंग्स में एक प्लान बना। उस प्लान में ये बताया गया है कि जो लास्ट 3 ईयर्स के एग्ज़ाम दिए हैं बच्चों ने जो ट्वेल्थ क्लास में, अभी तो जो लास्ट 3 ईयर्स के उन्होंने एग्ज़ाम दिए उनके बेसिस पे रिजल्ट बनाया जा सकता है और उनको प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, ये जो मैं खबरें बता रहा हूँ ये टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स और वेरियस टाइप के जो न्यूज़पेपर हैं उनमें आर्टिकल्स छपा हुआ है और कई न्यूज़ चैनल ये खबरें चला रहे हैं। ठीक है, ये ऑथेंटिक न्यूज़ है। अच्छा, इसके अलावा एक PIL जो है, एक क्या उससे ज़्यादा PIL को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है और उन सारी PIL को एक्सेप्ट भी कर लिया है। इसके अलावा जो न्यूज़ चल रही हैं या पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है कि थर्ड वेव आने के चांसेस हैं। अगर थर्ड वेव आ गया तो ट्वेल्थ के एग्ज़ाम होना तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, साथ में एक और कंडीशन चल रही है कि अगर बाई चांस ट्वेल्थ वालों के एग्ज़ाम जो हैं वो लेट होते हैं तो फिर अगर वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको एडमिशन लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का जो टाइमिंग है वो यही है, जून के आसपास एडमिशन लिया जा सकता है, ज़्यादा लेट नहीं कर सकते क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में इतना कोरोना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है जितना अभी इंडिया में चल रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि एग्ज़ाम को अगर होना है तो जल्दी कराया जाए, अगर नहीं होना है तो उनको बच्चों को ट्वेल्थ क्लास के प्रमोट कर दिया जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ट्वेल्थ क्लास के जो एग्ज़ाम हैं वो ना होके प्रमोट होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये जो सारी कंडीशन है, स्पेकुलेशन है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे 1 जून को, जब एजुकेशन मिनिस्टर जो सारे स्पेकुलेशन है उन पे विराम लगाएंगे और अपनी जो भी डिसीजन उन्होंने लिया होगा वो पब्लिक और स्टूडेंट के सामने रखेंगे। आगे कोई भी अपडेट होगा हम वो लेके आएंगे। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।